जनपद में शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित सभी केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें 18 साल से ऊपर के 1,259 नागरिकों और 45 साल से ऊपर के 1,479 नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया। इनमें प्रथम डोज 122 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 1,357 नागरिक शामिल हैं। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के बाद टोकन लेने के लिए सुबह 10 बजे से ही जिला अस्पताल में नागरिकों की लाइन लगी रही। इस दौरान नागरिकों ने सोशल डिस्टेंस के साथ लाइन लगाकर बारी बारी से वैक्सीनेशन कराया। इस दौरान युवाओं ने वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वैक्सीनेशन के बाद नागरिकों को सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। इस अवसर पर टीकाकरण कराने वाले नागरिकों ने कहा कि वैक्सीनेशन से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि देश हित में वैक्सीनेशन जरूर करवाएं तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, बहुत आवश्यकता पर ही घर से बाहर निकलें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीकाकरण कराने वाले लोगों ने कहा, अभिषेक गुप्ता जी, जी मेरा वैक्सीनेशन किया गया है। बहुत ही आसानी से सुविधा अनुसार वैक्सीनेशन हो रहा है यहाँ पे, और लाइन में लग रहे हैं लोग, आराम से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, आ रहे हैं, यहाँ टोकन मिल रहा है, फिर वैक्सीनेशन लग रहा है। और वैक्सीनेशन लगने बाद कोई रिएक्शन या तो कोई कुछ है नहीं, आराम से आइए आप लोग, वैक्सीनेशन लगाइए। थैंक यू जी, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अंशुप्रिया, मैंने आज कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज ले लिया है और मुझे दोबारा 4 तारीख को बुलाया गया है और काफ़ी सुविधा पूर्वक सब कुछ हो गया है आसानी से। आदित्य गुप्ता, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुविधा अनुसार लाइन में लग के आराम से एकदम बैठ के वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। हाँ, उन्हें जल्द से जल्द आके वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि तो सरकार बहुत ही सुविधा अनुसार वैक्सीनेशन करवा रही है। अमृता गुप्ता, अच्छा लगा, इसी तरह की कोई दिक्कत अभी तो नहीं है, बाद में नहीं पता क्या होगा, अभी तो बहुत अच्छे से हो गया है। अन्य लोगों को क्या कहना चाहिए जो अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाए? जल्दी से जल्दी करवा ले, यही देश के लिए अच्छा है, क्योंकि टाइम से वैक्सीनेशन होगा तभी ये खत्म हो पाएगा।